दोस्तों, रामायण हम सबने देखी है और पिछले साल लॉकडाउन में ये आज तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल था। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर आज भी कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी जगह है जिसे ये पता चलता है कि रामायण की गाथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब सबूतों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबूत नंबर वन, दोस्तों रामायण की ये बात तो आपको याद ही होगी कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वो खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें किसी कारण अपना रूप विशालकाय करना पड़ा और इसी वजह से उनके पैरों के निशान वहां के पत्थरों पर जम गए। अब कई लोग तो इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन आपको बता दे कि श्रीलंका में आज भी चट्टानों पे हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। सबूत नंबर टू, दोस्तों रामायण के हिसाब से जब सीता माता का हरण हुआ तब सीता माता की खोज शुरू हो गई और इसी बीच राम जी की भेंट हनुमान जी से हुई और हनुमान जी हर रोज प्रभु श्री राम की एक जगह प्रतीक्षा करा करते थे और आज उसी जगह को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबूत नंबर थ्री, दोस्तों जब रावण सीता माता को लेकर लंका गया तब अशोक वाटिका से पहले रावण सीता माता को एक गुफा में लेकर गया और आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो कि दिखने में सांप की तरह दिखाई देती है। और जब आप गुफा में जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण की गाथा कोई काल्पनिक गाथा नहीं थी। सबूत नंबर फोर, जब श्री राम को सीता जी का पता चला कि वो कहां पर कैद है तो वह हनुमान जी और बाकी सेना के साथ श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं रुक गए। अब इसके बाद उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी में तैर रहे थे और उसके बाद उनकी सेना ने श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। सबूत नंबर फाइव, जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ वो पत्थर आज भी मौजूद हैं। और जब इन पत्थरों पर रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि ये पत्थर रामायण युग के ही हैं। दोस्तों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उस वक्त हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए और वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। सबूत नंबर सिक्स, दोस्तों जो संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी श्रीलंका लेकर गए, जो कि एक बहुत ही विशालकाय पहाड़ था, उसे आज द्रोणगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी वो श्रीलंका में मौजूद है। और तो और, जब वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो उस पहाड़ पर वही जड़ी बूटियां मिली जो कि सिर्फ हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। और इस बात से रिसर्चर भी हैरान है। सबूत नंबर सेवन, दोस्तों जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था तभी जटायुओं ने रावण को रोकने की कोशिश करी और वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए और रावण ने जटायु को मार गिराया और जटायु जहाँ पर गिरे थे आज उस जगह को लिपाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सबूत है जो कि आपको बताएंगे कि जटायु सच में इसी जगह गिरे थे। सबूत नंबर एक, जब रावण सीता माता को हरण करके ले गया तो वो उन्हें अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन सीता माता ने महल में जाने से मना कर दिया और इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया, जहाँ पर सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। सबूत नंबर नाइन, दोस्तों कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से करवाता था और श्रीलंका में ही ऐसे बड़े बड़े हाथियों के अवशेष मिले, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि रामायण की गाथा सच में रियल थी। सबूत नंबर टेन, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी और श्रीलंका में एक ऐसी जगह है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ काफी खतरनाक आग लगी थी। सबूत नंबर 11, दोस्तों भगवान राम की तरह ही रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने उनकी भक्ति के लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, जिसे कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में भगवान राम की तरह रावण की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और लोग रावण की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान राम के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।